press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इस भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, एक मजेदार और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शहला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी। और ये बात करेंगी ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पे, बल्कि चर्चा करेंगी मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इनको पता है शैला बहुत अच्छे से कि थर्ड टर्म मोदी जी शपथ लेंगे, वक्फ बोर्ड का चिट्ठा मिट्ठा खोला जाएगा। 20 लाख करोड़ की संपत्ति जो वक्फ बोर्ड लेकर के बैठा हुआ है और 165 करोड़ का रेवेन्यू जो हर साल उठाता है वक्फ बोर्ड, इससे मुसलमान 20 करोड़ मुसलमानों का कितना भला हो रहा है, उसका हिसाब किताब तो हम मांगेंगे ना। आपने वक्फ बोर्ड के तहत जो पैसे और जो धन राशि जमा की है अरबों खरबों में, लाखों करोड़ों में, उस धन राशि से 20 करोड़ मुसलमान का क्या क्या भला किया है वक्फ बोर्ड ने, उसका हिसाब किताब तो हम मांगेंगे। अब आती है दूसरी बात, हम ये तो पूछेंगे ना कि मदरसे के लिए जो एड आता है उस मदरसे से कितने बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जज बने, वकील बने, बताइए, डेटा दीजिए। और अगर नहीं बने तो सरकार का काम मुल्ला और मौलवी बनाने का तो नहीं है। आज मैं खड़े होकर के कहूंगी कि मेरे बेटे को पायलट बनाइए तो सरकार से मैं लड़ सकती हूँ कि क्यों नहीं बनाइएगा उसको आप प्रावधान दीजिए, आप उसको स्कॉलरशिप दीजिए, वो बनना चाहता है पायलट। बिल्कुल सरकार को आगे या पीछे करना पड़ेगा भैया, लेकिन अब मैं कहूंगी कि मेरे बेटे को आप मुल्ला बनाइए तो सरकार भी कहेगी भाई मैं तुमको तुम्हारे बेटे को मुल्ला क्यों बनाऊं, ये मेरा काम थोड़ा ही है, ये तुम्हारा काम है, तुम बनाओ। तीसरी चीज आती है कि ये देवबंद और दारुल उलूम हर वक्त जो फतवा जारी करता रहता है, हर वक्त जो नए नए फतवे को इन्वेंट करता है। अभी हालिया में उसने फतवा जारी किया कि मुसलमान लड़कियां देवबंद के मदरसे में आकर के पढ़ नहीं सकती क्योंकि वो वीडियो और रील्स बनाती हैं। तो भाई ऐसा क्या अंदर में कर रहे हो, हम तो हज मक्का मदीना हज में हज उमरा में लोग रील्स बनाते हैं, फोटोज शौक से बनाते, हाँ वहां तो मना नहीं है, तो तुम ऐसा क्या कर रहे हो अंदर में जो तुम इतना छुपा करके कर रहे हो। किसी मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, किसी रिपोर्टर को जाने की इजाजत नहीं है, अब तो मुसलमान बेटियों को बाहिजाब भी जाने की इजाजत नहीं है देवबंद में। तो हमें ये पूछना है कि भारत जो है वो संवैधानिक देश है, इस्लामिक देश नहीं है, तो तुम अपने फतवे को हमारी जुत्ती के नीचे रखो, जाकर के इस्लामिक देश में फतवा जारी करो। चौथा आता है शैला, ये बात मुसलमानों को पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत हमारे भारत को नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायपालिका है, ऑलरेडी है, हमारे यहाँ कोर्ट है, संविधान है, हमारे यहाँ कानून है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत है। पाकिस्तान ने तो ऑल हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाया तो फिर हम क्यों बनाएंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब 3 मिलियन लोग अरब में रहते हैं, 3 मिलियन हिंदू अरब में रहते हैं, तो उन्होंने तो ऑल हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाया, वो तो शरिया से ही चल रहा है, सही बात, शरिया से चल रहा है, तो फिर हम क्यों बनाएंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जब 57 मुस्लिम मुल्कों में हिंदू रह रहे हैं और वहां पर ऑल अरब हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, ऑल पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में क्यों रहेगा। तो ऐसी चीजों पर जो हमने तैयारी करके रखी है कि मोदी जी का थर्ड टर्म आएगा और अगस्त से हम लोग बिल्कुल फोकस हो जाएंगे इन सारे मुसलमान के जंगजू एक्टिविटीज पर एकदम हिजाब उठाने के लिए, यही इनको सर का दर्द बन गया है। और ये मोदी जी के विरोध में इतना नीचे गिर चुके हैं, इतना नीचे गिर चुके हैं कि अब ये मोदी जी के मर्डर की स्ट्रेटजी रेडी कर रहे हैं, बहुत गलत है। अब आपको मैं एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये आपके पीओ के का, शादी के लिए
ये मैंने देखा हुआ, ये इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर का है। तो आज देखिए कि भारत, भारत के जम्मू एंड कश्मीर भारत के संविधान के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। भारत बहुत वायरल है। हाँ। मुसलमान आज, आज भारत के संविधान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के सक्सेस में, भारत के अचीवमेंट में, भारत की उन्नति में एकदम एक साथ चलने को तैयार है और साफ शपथ ले रहे हैं कि जान भी जाएगी तो जाएगी, लेकिन भारत के संविधान को बचाएंगे। तो आज अच्छा नहीं लग रहा है कि जिन हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन हाथ में तिरंगा झंडा है। जिस दिमाग में मार काट बलात्कार हुआ करता था, आज उस दिमाग में देश का संविधान और देश की सुरक्षा की बात चल रही है। जिस जुबान पर गालियां हुआ करती थी गंदी गंदी जम्मू एंड कश्मीर के मुसलमानों में, आज उस जुबान से भारत की सभ्यता, संस्कार और संविधान के पक्ष में बात निकल रही है। और कल को यही होगा पीओके में भी। आज पीओके परेशान है भाई, कोई ठीक नहीं है कि आपका पाकिस्तान चार हिस्सों में डिवाइड होगा। बलोच अलग अलग प्रदर्शन कर रहा है, उसके बाद पीओके अलग प्रदर्शन कर रहा है, सिंध अलग प्रदर्शन कर रहा है, तो अलग अलग प्रदर्शन आपके यहाँ चल रहा है। तो हर चीज, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पेशेंस का एक लिमिटेशन होता है। जब सब्र का बांध टूटता है ना, तो फिर वो दिशा और दशा दोनों चेंज करता है, दोनों चेंज कर देता है। बलोच ने बहुत पेशेंस रखा और पाकिस्तान की सरकार पर उन्होंने बहुत उम्मीद को बरकरार रखने की कोशिश की। वैसे ही पीओके ने बहुत उम्मीद बरकरार रखी कि पाकिस्तान की सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए भला करेगी। सिंध वैसे ही उम्मीद बरकरार रखी। आज सिंध क्या कह रहा है कि हम सिंधी भारत में जुड़ना चाहते हैं, हम लोग पाकिस्तान से का नाम भी नहीं अपने से जोड़ना चाहते हैं। आज सिंध कह रहे हैं। ये आपके यहाँ चल रहा है, ये आपके यहाँ चल रहा है, ये हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। जरिए लोगों, सही बात है जैसे आपने कहा कि तकसीम की बात होती है, तो लोग तो अगर जो पाकिस्तानी अगर उनको अपने राइट्स नहीं मिलेंगे तो वो जाहिर है सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाएंगे, जो कि जाहिर है मुल्क को बांटने की या फिर डैमेज करने की बात है। तो ये तो देखिए, हम अक्सर इस चीज़ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपनली एडमायर करते हैं, जो मेरे पाकिस्तानी फॉलोअर्स हैं उस चीज़ से एग्री करेंगे। चार स्टेट को चलाना बहुत इजी है, 29 स्टेट को चलाना बहुत मुश्किल है। और भारत में हर स्टेट का कल्चर, जुबान, उनकी सकाफत, उनके रस्म व रिवाज, वहाँ पर जराइम की सजाएं, कहीं पे जरगा कानून है, कहीं पे उनके पुराने कस्टम्स हैं, उन सबको लेके चलना एक बहुत बड़ा टफ टास्क है, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है। तो हमारे बहुत मतलब कि सूबे चार है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ बलोचिस्तान में इस टाइम जो है महारंग बलोच फिर से निकल आई हैं। और केपीके में अगर लगता है अगर 27 मई तक हालात सेटल हो गए तो लोग रोड पे नहीं आएंगे, वरना वो फिर आएंगे। सिंध में भी ये कहीं ना कहीं यस ये मसला चल रहा है, एंड पंजाब फाइनली एक रह जाता है जो कि नहीं रोड पर आता। तो खैर, बड़ी अच्छी लगी नाज़िर जी आपकी राय, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी जो चीज़ें जो आपने सोशल मीडिया पर थी और हमारे साथ शेयर की, कभी ना हो, क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने सर्व किया है और यहाँ तक पहुँचे, और ये जो मुसलमान यहाँ पर ओपनली धमकी लगा रहे हैं तो इनको पता है ये अरेस्ट भी हो सकते हैं, और ऐसी चीजें जो है कानूनी तौर पर भी इसकी बड़ी सख्त सजाएं हैं। एक चीज एडिशन करना चाहूंगी कि देखो, भारत जब आजाद हो रहा था ब्रिटिश, मैं मानती हूँ कि सारे धर्मों ने अपने खून बहाए हैं, सारे धर्मों ने अपने खून की कुर्बानी दी है, सारी माओं ने अपने पुत्र की कुर्बानी दी है, मैं मानती हूँ इस बात को और मानना भी चाहिए। लेकिन बंटवारा तो मुसलमानों ने ही मांगा ना, बंटवारा तो मुसलमानों ने मांगा, आवाज तो बंटवारा एक इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाने की का आवाज तो मुसलमानों ने ही उठाया। तो आज जब बंटवारा हो गया 77 साल पहले, पाकिस्तान इस्लामिक देश बन गया, फिर भी जो मुसलमान यहाँ पर रह गए, वो मुसलमान अब जिनका हिंद है, जिनका सितान है, जिन हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना, तो अब आप उनको गला काटने की बात कर रहे हो, आप उनकी बहू बेटियों को उठा करके उनका बलात्कार करते हो, उनको उनके धर्म से गुमराह करने की बात करते हो। मतलब कहाँ पर पढ़े हो, कौन से कुरान के पन्ने में पढ़ लिए हो? इसलिए मुझे ऐसा लगता है
कि मुसलमानों को अब सही तरीके से उनकी सही औकात बताने का वक्त आ चुका है, और हम जैसी मुसलमान बेटियां बिल्कुल तैयार हैं कि मुसलमानों को ये बताया जाए कि एक विधान है भारत में, एक संविधान है भारत में, और जिनको भी शरिया लॉ मनवाना है या मानना है, 57 मुस्लिम ममालिक है, कुछ कर जाइए, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बंदोबस्त करके देंगे आपको जाने का, वहां शायद वहां शांति से और चैन से रह सके। जहां तक मेरी उम्मीद है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये मुसलमान अपने इस्लामिक देश में भी शांति से नहीं रह पाता है। और दूसरी बात है, कोई भी ये जो गल्फ कंट्री है, ये मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज है, ये नेशनैलिटी नहीं देती, ये किसी को नेशनैलिटी नहीं देती। लेकिन खैर, तब्दीली का नाम जो है जिंदगी है, और तब्दील होते रहना चाहिए इंसान को। कोई भी रिलीजन बुरा नहीं होता, मुसलमान हम भी हैं, आप भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुसलमानों से हमारी डेली मुलाकात होती है। तो घर की तरबियत भी मैटर करती है कि आप अपने रिलीजन को क्या अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए यूज़ कर रहे हो, या रिलीजन और खुदा के बीच जो है एक कनेक्शन है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच नाजर जी हमें टाइम देने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि नाजिया खान जी किसी भी फतवे से ना डरती है ना घबराती है, और जैसे कि उन्होंने कहा कि ना ही किसी इस्लामिक देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वैसे भारत में भी इसको खत्म कर देना चाहिए। और जैसे कि आपने देखा, नाजिया लाई खान जी काफी पॉजिटिव नजर आई, जहां पे उन्होंने कहा कि मोदी जी की थर्ड टर्म आएगी और इस बार वो 400 पार भी करेंगे। बाकी जब नाजिया लाई खान जी ने पाकिस्तान की बात की और पाकिस्तान के चार टुकड़ों की बात की, तो मुझे तारिक फतेह साहब की बात बड़ी अच्छी याद आ गई। वो हमेशा कहा करते थे कि सिंध के बिना हिंद नहीं है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।